अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन आई एम बैक। और आज आई हूँ मैं फूड स्ट्रीट रावलपिंडी में, जो कि एक खाने पीने के लिए और फूड लवर्स के लिए जन्नत है। सो इस जन्नत में फूड लवर्स का वेलकम। यहाँ पे आपको सिटिंग बहुत अच्छी मिलेगी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और डिशेस जो हैं वो सारी रवायती होंगी और आपको बहुत इंजॉय करने को मिलेगा। और इनका टेस्ट बहुत 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 फिट है। और इस वक्त मुझे मिले हैं गजरे और ये काफ़ी ज़्यादा, जितने ज़्यादा ये प्यारे लग रहे हैं आपको इतने ज़्यादा खुशबूदार भी थे। लेकिन एक जो था इसके अंदर मसला, वो ये था कि ठंडे बहुत थे, ठंडे ठंडे थे। और ये ठंडे ठंडे मैं इस ठंडे ठंडे मौसम में पहनने जा रही हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है गजरों का तो आप समर में आके कीजिएगा, शायद आपको अच्छा फील हो। ओके, मेरे गजरों के पैसे पूरे हो गए हैं और अब मैंने ये गिफ्ट कर दिया एक कपल को, अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे। और अब हम चलते हैं फूड स्ट्रीट के ये खुशबूदार खानों के लिए, जहां मज़े मज़े के जायकेदार खाने हैं। और आप यकीन करें, आप यहां आएंगे तो आप मायूस होकर बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहां काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे और हर स्टॉल पर एक डिफरेंट ही चीज़ थी। अब यहां पर कश्मीरी चाय मिल रही है आपको और इसी तरह आपको यहां पर जो है वो हर किस्म के खाने मिलेंगे और हर खाने का एक अलग ही मज़ा होगा। सेवर क्रिस्पो राइस का आपको रेस्टोरेंट मिलेगा यहाँ पर, आपको चा सेवर चा, लेकिन कॉफ़ी भी होगी यहाँ पर और क्रीमी क्रीमी होगा सब कुछ। और इस गर्म, इस सर्द मौसम में गर्म गर्म कॉफ़ी या गर्म गर्म चाय बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। और ये तो उन्हीं को पता है जो लोग इस पंजाब की ठंडी सर्दियों में सर्वाइव कर गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी इस बार और अब तो खैर जाती सर्दियां हैं, लेकिन जो ठंड हम लोगों ने इंजॉय की है वो बहुत ऑसम थी। तो यहाँ पे हैं जी पान का स्टॉल, और जिसको पान पसंद है वो आकर यहाँ से पान भी खा सकता है। और साथ है जी मटका चाय और आबासी चाय खाना। यस, आबासी चाय खाना, चिकन कॉर्न सूप, अरे सूप भी है, सर्दियों में सूप ना पिया तो क्या पिया। तो यहाँ पर आपको जो है वो ये एक चीज़ मिलेगी, वो ये कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फिट है। आप कहीं भी चले जाएं तो फूड स्ट्रीट के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, बट मुझे यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हुआ था इस फूड स्ट्रीट में वो ये था कि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील हुआ। हालाँकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर रौनक है। और अभी यहाँ पे बन रही हैं मज़े की कढ़ाइयाँ, और ये बीफ भी है, मटन भी है, चिकन भी है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो हैं अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि जब आप फूड स्ट्रीट आएँ तो अपने हिसाब का खाया करें और सोच समझ के खाया करें, बिकॉज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को समझ नहीं आता हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, और फिर ये चीज़ें हमें ख़राब करती हैं, समझ तो गए होंगे। तो बाकी घर का खाना प्रेफर किया करें, कोशिश किया करें कि घर के खानों को तरजीह दिया करें, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कभी कभी इंजॉय किया करें। ज़िंदगी है, ज़ाहिर है इंजॉय तो करना है आपको, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है। डेली बेसिस पर इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं अपनाना। तो मुझे यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है कि मैं इस फूल को ख़रीद लूँ, लेकिन फूल जो है वो प्लांट्स भी अच्छे लगते हैं, ऐसे
दो मिनट की खुशी लेकर फिर इनको सड़कों पर फेंक देना काफ़ी नाकदरी है। सो मैंने उसको कहा, ये मेरी तरफ से आपको, आप इसको रखें। चाय, चाय लवर्स के लिए चाय आ गई। चाय चाय चाय, ये देखें चाय, गर्म गर्म चाय। लेकिन चाय लवर्स के लिए इतना छोटा सा कप काफ़ी नहीं है। इस तरह के वो 5-6 कप पी जाएं तब उनको तसल्ली होगी कि उन्होंने चाय पी है। जो सीख कबाब लवर्स हैं, ये जो कबाब लवर्स हैं, वो यहाँ पर आके कबाब भी खा सकते हैं। और इनका जो धुआं है, यहाँ से जो खुशबूएं उठ रही हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि ये इतना मज़ेदार और इतना ये स्पाइसी किस्म का खाना था कि बस आपका दिल चाहता है ये भी ले लें, वो भी ले लें, हर चीज़ बस ले लें। अब ये चेक करें आप, ये इस वक्त बना रहे हैं पान, और ये मीठा पान है। यहाँ पर जो है पान लवर्स आकर पान ले सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ढाबा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट जो है टॉफ़ीज़ और बिस्किट्स भी थे, और थोड़ी बहुत और ज़रूरत की चीज़ें इससे रखी हुई थी। यहाँ पे मेरे साथ जो है एक प्रैंक हो गया। मुझे लगा धुआं उस साइड पे जा रहा है, लेकिन धुआं सीधा उड़ता हुआ मेरी आंख में चला गया, और ये सीरियसली बर्न कर रही है मेरी आंख। इस तरह के स्टंट करने से पहले ना आप केयरफुल रहा करें, ये धुआं जो है वो कभी भी आकर सब प्रैंक कर सकता है, जैसे कि मेरे साथ किया है। सो फिश लवर्स हाजिर हो जाएं, ये है फिश, फ्राइड फिश। और यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा देख कर ही कि इसका टेस्ट कितना लजीज होने वाला है। ये चेक करें आप, मिसालों से भरपूर और रवायती खाने यहाँ पर आपको जगह जगह पे स्टॉल्स पे मिलेंगे। और पहले से जो है हर चीज़ रेडीमेड होती है, आप बस ऑर्डर करें, उसके 25 मिनट के बाद आपके सामने चीज़ें हाजिर हो जाएंगी। फ्रेश फ्रेश खाना होता है, फ्रेश फ्रेश फील होता है। मुझे अब लग गई है भूख, आप सबको दिखाते दिखाते। सो मैंने अपने लिए एक जगह चुन ली है, देख लें आप सिटिंग एरिया इसका, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है, और आपको एक जो है वो फैमिली प्लेस मिलेगी। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आकर इजीली यहाँ पर जो है एंजॉय कर सकते हैं खाना को। ये है अलशेख टिक्का हाउस। सो मैंने अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म खाना आ चुका है। और यहाँ पर जो है अब ज़रा सी भी देर किए बिना पहले मुझे खाना खाना चाहिए। सो मैंने खाना खा लिया है और मेरे फ्रेंड्स खा रहे हैं, सो लेट देम फिनिश। तब तक हम कर लेते हैं बातें, और बातों में सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि मैं इतने अरसे बात क्यों वापस आई हूँ, ये बीच बीच में गायब होने का क्या राज है। तो एक ही राज है, राज नहीं, एक्चुअली मेडिकली हेल्थ इश्यूज़ होते हैं मुझे, तो अगर मैं गायब हो जाया करूँ तो इसका मतलब ये कि होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ।
सो फिर दुआ कर दिया करें, अल्लाह पाक सेहत दे और मेरे साथ साथ आप सबको भी दे और सबको खुश व खरम रखे और जहाँ जहाँ जो जो रह रहा है उसको उस जगह पर महफूज रखे, अपने हिफ्ज अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आपने भी कभी रावलपिंडी फूड स्ट्रीट विज़िट किया है या नहीं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब कुछ मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये लो मैडम लिए फूल ले दो। मैडम को फूल नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? सो यहाँ ये मुझे ऑफ़र कर रही थी फूल का, तो मैंने इससे फूल नहीं लिया बल्कि इसको बताया कि मुझे दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है, सो अगर आप दुआ कर लें तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। चलो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको खुश दे। अल्लाह मेरी जो है ना, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे, अल्लाह आपके दिल की आस मुराद पूरी करे। आमीन आमीन तो आमीन। ये ले मेरी तरफ से आपको फूल। अपना ख्याल रखिएगा। सो इनके साथ साथ आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू लोकेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।